दोस्तों, मैं तरुण टेक ट्यूटोरियल में फिर से आ गया एक नया ट्यूटोरियल लेके। मैं अभी कभी कभी एक दो दिन मिस हो जाता है ट्यूटोरियल देने के लिए, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ट्यूटोरियल बनाने के लिए। फिर भी आज मैं एक अच्छा चीज को लेके ट्यूटोरियल लेके आ गया आप लोगों के लिए, जो है विंडोज का कुछ चीज है जो विंडोज 10 में आया है। उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है, उसका जो सेटिंग्स है उसको दिखाना है। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ा सेटिंग्स जो है, जो आपका टेक्स्ट टू स्पीच को जो कन्वर्ट करके दिया है, उसका नाम है कॉर्टाना। ये बहुत बड़ा आपका फीचर्स है, और ये जो चीज़ है टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके आपको मिलेगा। तो राइट क्लिक कॉर्टाना जो है, ये जो चीज़ है ये आपको कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए दिखा जाता है। तो कभी कभी ये चीज़ विंडोज 7 में नहीं था, तो ये आप लोग परेशान हो सकते हैं इससे। तो इसका सेटिंग मैं दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप माउस में प्रेस करके कुछ बोलेंगे तो ये सुन सकता है, आपको मैसेज देता है। तो चलिए मैं बोलता हूँ, ये ज़्यादा बोल दिया इसलिए ये ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं एक वर्ड बनाता हूँ और फिर दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो चलिए, कंट्रोल पैनल। Okay, which control panel do you want to open? तो आपको Control समझ panel में, or settings? ये आपका समझ में आ गया है ये कैसे काम करता है, ये कोई भी Which चीज़। one did you want? हाँ, ये बोल रहा है कि मुझे पूछ रहा है, और उसके बाद मैंने ये जगह प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस करने के बाद मैं बोलूंगा माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर आ जाएगा। माई कंप्यूटर, All right, which my computer do you want to open? तो ये Control सेटिंग्स panel, settings, or this PC? दा पीसी चाहिए, तो मैं दा पीसी जो है वो, मतलब माई पीसी जो है वो क्लिक करने पे आपको सारा चीज मिलेगा। तो ये कभी कभी हाइड हो जाता है दोस्तों, कि आपको दिख नहीं रहा है। तो इसका वजह ये है कि यहाँ से आप हाइड हो गया है किसी भी तरह से। अगर नहीं मिल रहा है तो ये जाके यहाँ प्रेस करके ऑन कर लो। और दोस्तों, ये मेरा टेक ट्यूटोरियल का चैनल है, ये आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ ही ट्यूटोरियल बनाता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल बटन दबा दीजिएगा कि सारा नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और दोस्तों, यहाँ बाकी बहुत सारा बटन दिया गया है, मैं एक ही के ऊपर बात करूंगा ऐसा नहीं है, दो चार तो बोलूंगा ही बोलूंगा। ये टूल बार है, इसमें एड्रेस, लिंक, डेस्कटॉप, न्यू टूल बार, ये यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से अगर मैंने कोई न्यू टूल बार प्रेस करेंगे तो यहाँ जाके नया टूल बार हम ले सकते हैं। जैसे कि ये इस जगह पे आ जाएगा, मतलब तो आपका जो कंप्यूटर का लेफ्ट साइड है वो जगह पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ डाल दिया है कि चलिए ये मीडिया डाल दिया, तो ये मीडिया आ गया। अगर इसको हटाना है तो सेम प्रोसेस में जाइए, ये हटा दीजिए, तो ये हट जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला वाला। उसके बाद दूसरा तो बता ही दिया। सो टास्क, आपका जो सेटिंग चेंज हो रहा है आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन कौन सा। ये है दो विंडो, एक ये एक, दोनों विंडो कैस्केड विंडो करने के बाद ये काम में आता है। तो इसके बाद आता है, मतलब वो एक मिडिल में आ जाएगा, यही काम है। मिडिल में आएगा वो काम होता है, मतलब आपका जहाँ भी है वो जाके मिडिल में आ जाएगा। सारा आपका जो ये है, मतलब विंडो खुला हुआ है, मिडिल में आ जाएगा। इसके बाद है, सारा चीज़ मैंने ये कर दिया। उसके बाद दोनों को खोल दिया, दोनों पेज आपका ओपन है, मतलब दोनों पेज आपका ओपन कर दिया मैंने। तो ये एक है और दूसरा को ओपन कर लेते, ये दूसरा है। उसके बाद विंडो साइड बाय साइड कर देंगे तो ये दोनों साइड बाय साइड हो गया, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का चीज़ है। तो दोस्तों, ये बाकी सारा जो चीज़ है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो डेस्कटॉप करने से डेस्कटॉप दिखेगा। तो ये टास्क का जो, मतलब नीचे का जो बार है विंडोज का, ये काफ़ी काम का चीज़ है। हम लोग जानते नहीं है इसलिए इसको यूज़ नहीं कर पाते सही से, और हम लोग ना जानने का जो प्रॉब्लम होता है, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। तो मैं हूँ ना आप लोगों के लिए सब बोल देने के लिए, जितना मेरे पास नॉलेज है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ मेरा जो ट्यूटोरियल है आज खत्म हो गया। अच्छा वाला ट्यूटोरियल और भी ले आएंगे। तो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।